दबंग ई रिक्शा का लोडर की बात करेंगे। मैं दबंग काफी बड़ा नाम आता है, वहाँ फरारी गाड़ियां होती है, उस डबल नेक, एक गियर नेक और एक गियर नेक, तो 6.2-6.3 तक अगर बंदा चलाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन ई रिक्शा जो कंपनी को बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और देखिए इसका जो चौड़ाई है मेरे को काफी सही लगी, पूरा उसको उल्टा कर देंगे और गार्बेज अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगा। हाँ दोस्तों, इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट मिल रही है, तो जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का बनवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और आज की वीडियो, जैसे कि हमने बताया था इससे पहले, हमने दबंग ई रिक्शा का मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा प्लांट था, असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, वो पूरा हमने आपको बताया। इस वीडियो में हम आपको दबंग ई रिक्शा का लोडर की बात करेंगे और यहाँ गार्बेज भी है, तो दोनों की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी बताने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि ये तो बेसिक चीज़ है, ये गार्बेज वाला हो गया, ये लोडर हो गया, मेन बेसिक चीज़ है। इसके अलावा अगर आपको अपना फूड व्हीकल बनाना है, अगर आपको अपना बुक शेल बनाना है, अपने को वेजिटेबल बनाना है, या आपको अगर कोई गद्दे वद्दे का काम है, मतलब आपको जिस तरह का काम है उस तरह का आप लोडर यहाँ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। कस्टमाइज़ से मेरा मतलब है जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का आप बनवा सकते, क्योंकि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जिस तरह का आप चाहते हैं उस तरह का बनवा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस पूरा लोडर की बताते हैं, और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जैसे स्टार्ट करते हैं मडगार्ड से, तो यहाँ पे देखो स्टेनलेस स्टील का ऐसे इसका मडगार्ड दे रखा है, सीवाई गोल्ड का यहाँ पे मडगार्ड है, और स्टेनलेस स्टील आपको पता है कि क्यों होता है। अगला यहाँ पे टायर दे रखा है, लोडर है तो काफ़ी बड़े और मजबूत टायर हैं, बढ़िया कंपनी के टायर यहाँ पे आपको दे रखे हैं। अच्छा, ऊपर आते हैं तो शॉकर दे रखा है, शॉकर सीवाई के आपको शॉकर मिल रहे हैं, ये देखिए सीवाई का यहाँ लोगो लगा है, सीवाई का शॉकर है, 43 इंच में आपको जो है शॉकर मिल रहे हैं। अगली चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ये है हेलोजन लाइट, अंदर आपको हेलोजन लाइट है, बाहर एलईडी लाइट है, तो आपको जो लाइट जलानी है हेलोजन एलईडी जलानी है, दोनों आप चला सकते हैं। तो आगे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको दबंग का लोगो मिल रहा है, दबंग का लोगो एम्बॉस, और काफ़ी देखिए जो आपने मूवी देखी है उसमें दबंग काफ़ी बड़ा नाम आता है, वहाँ आपको दबंग सुनते ही सबसे पहले मूवी का ही नाम ही आता है, तो यहाँ पे ई रिक्शा भी दबंग का। और देखिए जिस तरह का एम्बॉस यहाँ पे बिल्कुल उभर के आ रहा है, तो दूर से देखने में लगता है कि कुछ तो है, कुछ नई चीज़ है, कुछ बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये पूरा आपको यहाँ पे विंडशील्ड ग्लास मिल रहा है, क्योंकि लोडर मैक्सिमम लोडर जो है वो SS में आते, तो यहाँ पे SS में विद पेंट आपको यहाँ पे रेड कलर देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। अगर मैं नॉर्मली बात करूँ जो फरारी गाड़ियाँ होती हैं उसका कलर, वो वाला कलर रेड कलर लग रहा है, यहाँ पे आपको विंडशील्ड ग्लास मिल रही है। अच्छा, आगे चलते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे आपको बटरफ्लाई डिज़ाइन मिल रहा है, प्लस बटरफ्लाई डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए और कोई भी एक्सीडेंट से किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ये पूरा एक फ्रेम मिल रहा है जो कि बटरफ्लाई डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं बैठ जाता हूँ इस पर, बैठने के बाद देखिए एक चीज़ सबसे पहले जो मेरे को दिखी इधर आई है, ये चीज़ जैसे मैन्युफैक्चरिंग का जब मैंने आपको वीडियो बनाया था उसमें दिखाया था कि किस तरह चेसिस हो रही है, यहाँ पे डबल नेक, एक गियर नेक और एक गियर नेक, तो दो नेक है और बड़ा मोटा है, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर आपको यहाँ तक आ रहा है, मजबूती की जो है उसमें पूरा अच्छा खासा ख्याल रखा गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, बैठते ही मेरे को दो चीज़ फील हुई। सबसे पहले जो एक चीज़ फील हुई वो है इसकी हाइट, जो कि हाइट जनरली क्या होता है, इसमें हाइट मेरे को हमेशा ऐसी मिलती है कि मेरा सर टकरार होता, पर ऐसा कुछ नहीं है, सीट थोड़ी नीचे है जिसकी वजह से मेरे को हाइट काफ़ी ऊपर लग रही है, और हाइट ऊपर स्पेस होता है, अगर 6 फुट का है उसे 6.2-6.3 तक अगर बंदा चलाता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा, और बात करूँ लेग स्पेस की, तो लेग स्पेस भी मेरे को अच्छी, मतलब एक डिसेंट लेग स्पेस मैं कहूँगा, तो वहाँ मिल रही है, और यहाँ पे दोनों साइड मिल रहा है, तो अगर मैं पैर कोई दुख रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं पैर फैला भी सकता हूँ, तो मेरा काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पे, लेग स्पेस जो मैं कहूँगा वहाँ मिल रहा है, क्योंकि पूरे दिन रिक्शा चलाना है, पूरे दिन लोडर चलाना है, तो लेग स्पेस अच्छी होनी काफ़ी कंपल्सरी और काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। बात करी जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे आपको नॉर्मल एनालॉग मीटर मिल रहा है, चाबी मिल रही है, देखिए बैटरी का पूरा सिस्टम यहाँ पे, इंडिकेटर हैं यहाँ पे, आपको लाइट मिल रही है, लाइट का यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न का ऑप्शन मिल रहा है,
हॉर्न बजा के दिखाते हैं, हॉर्न का ऑप्शन मिल रहा है। फिर इधर आइए तो यहाँ पे आपको फ्रंट और रेयर जो आगे आगे पीछे बगाना तो पीछे आप यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ब्रेक होगा यहाँ पे दोनों तरफ आपको जो है आपको साइड मिरर है बैक पीछे देखने के लिए, वो चीज़ मिल रही है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बता दिया। अच्छा अब हम चलते हैं कंट्रोलर कन्वर्टर मोटर। उससे पहले यहाँ देखिए एक चीज़ है, ये ये हैंड ब्रेक है। अच्छा हैंड ब्रेक देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि अब बोलते हैं कि सब कुछ सच बताना सच, तो सच है ये हैंड ब्रेक मेरे को दबाने में थोड़ी सी मुश्किल का सामना तो करना पड़ रहा है, नो डाउट हैंड ब्रेक दबाने में को थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं बताऊँगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए मेरा सिर्फ ये काम नहीं है कि इसका रिव्यू करना, मेरा ये भी काम है कि अगर ई रिक्शा में कुछ कमी आ रही है तो वो भी क्योंकि आपके मैं आप जानता हूँ कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इनको बताना ई रिक्शा जो कंपनी उनको बताना कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उनको सही करवाना, ठीक है। ये चीज़ मेरे को लगी। अच्छा अब ये देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा बेस, ठीक है, इसे मिल रहा लेग्स पे जो मैंने पहले बता चुकी काफ़ी सही है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ मैंने उठाया सीट के नीचे सीवाई का जो कंट्रोलर है आपको यहाँ पे मिल रहा है और बिल्कुल अच्छे से स्टेबल हो रखा है, यहाँ पे पेज से स्टेबल कर रखा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है, ये आपको हॉर्न मिल रहा है, कन्वर्टर मिल रहा है सीवाई का, ये सारी चीज़ें 10 mm में वायर मिल रहा है, तो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे। बैटरी का जो आपको वारंटी कार्ड है वो सब मिल रहा है, और ये जो है आपका FM है उसका म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है जो कि FM बिल्कुल आपके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद अब हम चलते हैं इसके पीछे, इधर आइए। तो ये जो डाला है, ये डाला मिल रहा है, ये देखिए ये डाला आपका 5 फुट का है और ये 6 फुट का है, ठीक है। तो ये 6x5, इसमें अलग अलग साइज़ आते हैं, अलग अलग कंपोनेंट आते हैं और अलग अलग चीज़ें आती हैं, जिस तरह का भी जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको कस्टमाइज़ कराना है, आपको व्हीकल चाहिए, फूड व्हीकल चाहिए, आपको गार्बेज व्हीकल चाहिए, या आपको कोई ठेला लगाना है प्रॉपर एक अच्छी तरह से जो कि स्टैंडर्ड में अच्छा लगे और लोग वहाँ पे आएँ, क्योंकि देखिए अगर कोई ई रिक्शा पर आप प्रॉपर डिज़ाइन के साथ प्रॉपर लाइटिंग के साथ लगा रहे हैं तो काफ़ी देखने में सुंदर लगता है और लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब पीछे आइए तो देखिए इसका जो चौड़ाई है मेरे को काफ़ी सही लगी, चौड़ाई जो इसकी वो काफ़ी सही लग रही है। और पीछे ये बात करें इंडिकेटर की, ये देखिए इंडिकेटर यहाँ पे दोनों तरफ आपको अलग इंडिकेटर हैं थोड़े से और विच प्रोडक्शन ये मिल रहे हैं। पीछे यहाँ पे जो आपको मड गार्ड भी जो बम्पर है वो प्रोडक्शन के लिए मिल रहा है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोलर की बात करें तो कंट्रोलर आपको 1000 वॉट का मिल रहा है यहाँ पे इसमें इस वाले में, जिसमें अगर आपको 1000 वॉट से 1500 वॉट तक आप इसको बढ़ा घटा सकते हैं डिपेंडिंग ओवर आपका काम क्या है। अगर आप ज़्यादा लोडिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको मजबूत मोटर की ज़रूरत है और भारी मोटर की जरूरत है, तो आप 1500 वॉट तक इसमें लगवा सकते हैं। अच्छा मोटर के पास में आते हैं गार्बेज, ये है आपका गार्बेज व्हीकल। गार्बेज व्हीकल की बात करूँ तो देखिए मैं खोला इसको, दोनों तरफ खोल देता हूँ, ये देखिए खोल दिया, ये दोनों तरफ खुले, तो ये है, ये देखिए गार्बेज, ये है आपका ग्रीन वाला जहाँ की आपको पता है आपको यहाँ पे गीला सूखा कूड़ा रखना पड़ता है, और दूसरी साइड यहाँ पे आपको ब्लू वाला मिला यहाँ पे आपको यहाँ पे सूखा कूड़ा। अच्छा ये तो हो गया जहाँ से हम निकालेंगे, निकालने से पहले आपको डालना है और डालने के लिए ये स्पेस है, तो यहाँ आपको ये मिल रहा है, आपको अगर कूड़ा मतलब आपको जो भी है उसको कूड़ा डालना है तो ऐसे उठाइए और यहाँ पे कूड़ा डाल दीजिए, ये आपको दोनों तरफ ऑप्शन मिल रहा है, और अगर नहीं करना तो ये आपको यहाँ पे ऐसे जब प्रॉपर इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल रहा है, इसमें भी आपको जैसे मैंने बताया 1000 से 1500 वॉट का मोटर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गार्बेज व्हीकल जो होती है, गार्बेज व्हीकल में होता क्या है कि अगर आपने कूड़ा इसमें आप जो भी मतलब मान लीजिए गलियों में जा रहे हैं कूड़ा उसमें डालते गए ऊपर से डालते गए, अब यहाँ से निकालना है तो जाहिर सी बात है आप इसको खोल के हाथ से नहीं निकालेंगे, हाथ से निकालना बहुत क्योंकि जाहिर सी है तो कूड़ा ही ना, तो हाथ से तो नहीं निकालेंगे। उसके बदले क्या होता है आप इसको पलट देंगे, यहाँ से बिल्कुल ऐसे पूरा उसको उल्टा कर देंगे और गार्बेज अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगा। उसके लिए इन्होंने दे रखा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाँ दोस्तों इसमें आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट मिल रही है जो कि आगे इसमें अभी नहीं है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो अभी नहीं है, आप अगर जाहिर सी बात है आप लाएंगे तो लगा के दे दिया जाएगा। एक बटन दबाने से पूरा उल्टा हो जाएगा और ये पूरा इसमें से जो गार्बेज है वो बिना आपके हाथ लगाए सारा नीचे गिर जाएगा।
तो ये एक आपको प्रोटेक्शन फ़ायदा और ज़रूरी मैं कहूँगा कंपलसरी, बाकी लोडर में एक बार के लिए अवॉइड किया जा सकता है ना हो चलेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि गार्बेज की बात है और गार्बेज आजकल क्या हमेशा से ही कोई भी अपना कूड़ा जो है वो हाथ नहीं लगाना चाहता, ठीक है। कितना भी आप ग्लव्स पहन रखे हो हाथ नहीं लगाना चाहेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको मेन लोडर में बताया वो चीज़ सारी चीज़ें इसमें, कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर, हैंड ब्रेक और ये सारी चीज़ें इसमें ही आपको मिल रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, कस्टमाइज़ आप करा सकते हैं, आपको जो भी कस्टमाइज़ कराना है, आपको वेजिटेबल जो भी मतलब आपके जो भी दिमाग में आ सकता है कि आप ये धंधा ये बिज़नेस करना है, वो जो भी दिमाग के मैं कह रहा दिमाग में दिमाग जो आदमी होता है उसका दिमाग काफ़ी दूर तक जाता है, तो जो भी आपके दिमाग में आ सकता है कि ये रिक्शा ये हो सकता है ये हो सकता है, वो चीज़ आप करिए, यहाँ पर आइए, वीडियो के नीचे नंबर है, आके आप जिस तरह का ये लोडर बनवाना है बनवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे आखिरी में बताते हैं इसका प्राइस। मैं पहले ही बता दूँ, प्राइस बताने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी प्राइस हम बताएंगे वो एक लमसम प्राइस है, वो प्राइस आपको कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसका प्राइस आपको 1,20,000 से 1,20,000 से 1,40,000-1,50,000 तक आपको दोनों पड़ने वाला है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, अगर आप इसमें कोई ज़्यादा कुछ चीज़ें करवानी हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है उसके हिसाब से प्राइस घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा मोटर लगाना है तो प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, कम वॉट का मोटर लगाना है तो कम प्राइस देना पड़ेगा। और मान लीजिए मैंने आज वीडियो डाली, आप देख रहे हैं इसको 6 महीने बाद, तो जाहिर सी बात है 6 महीने बाद वीडियो प्राइस चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, उसके हिसाब से आपको उस टाइम जिस टाइम वीडियो देख रहे उस टाइम जो प्राइस चाहिए वो प्राइस, जब आप वीडियो देख रहे उस टाइम जो प्राइस एग्जैक्ट प्राइस है वो जानने के लिए आप वीडियो के नीचे नंबर है उस पर कॉल करके आप एग्जैक्ट प्राइस जान सकते हैं। तो ये था आपका दबंग ई रिक्शा का लोडर, गायत्री इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दबंग ई रिक्शा लोडर है, नोएडा 62 सेक्टर में इनका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, असेंबलिंग प्लांट है, यहाँ से आप ले भी सकते हैं और डीलर इनके पूरे पैन इंडिया हैं। अगर कुछ भी डिटेल चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में अगर नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट जानकारी चाहिए तो डायरेक्ट मैंने ऑनर का नंबर नीचे दे रखा है वीडियो के नीचे, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम दबंग ई रिक्शा का प्रॉपर ई रिक्शा बताएंगे, दबंग जो है उसका ई रिक्शा जो है 3 मॉडल में आता है, प्रॉपर टॉप मॉडल, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें वो बताने लायक है, वो भी हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, वो बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, धन्यवाद।